ये एक्चुअल में एक मिनी रोबोट बना है। उसमें ये है कि स्वास्थ्य कर्मी जो है कोरोना वार्ड में जाके और अपना मेडिसिन है, फूड है या पानी है, बिना उनके पेशेंट के कांटेक्ट में आए हुए डायरेक्ट सप्लाई कर सकते हैं। और बाहर रह के भी वो अपना गाइड कर सकते हैं पेशेंट को। ऑडियो है, वीडियो है, वो चाहें तो अपना जो पेशेंट है उससे फीडबैक ले सकते हैं, और उसको अगर कुछ गाइडेंस देनी है तो उसी रोबोट के थ्रू, ऑडियो और वीडियो के थ्रू अपना दे सकते हैं। और उसमें ये भी है कि 20-25 मीटर दूरी से वो ऑपरेट होता है विदाउट एनी प्रॉब्लम, वो उसको दे सकता हो। तो इससे हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, स्पेशली डॉक्टर है, नर्सेज है, पैरामेडिकल स्टाफ है, तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट में कोरोना पेशेंट से नहीं आते हैं, और दूर से ही वो उनको अपना खाना भी दे सकते हैं और बाकी जो भी सुविधाएं हैं वो सब प्रोवाइड कर सकते हैं। ये कैसे बना, कहाँ बना? ये S&T डिपार्टमेंट में ही बना है, आसनसोल में। तो इसमें हमारे कुछ TCI लोग हैं, वो सब मिलके और हमारे DRM साहब के नेतृत्व में, और हम लोगों ने थोड़ा इसमें दिमाग लगा के और बनाया है। तो इस यही बना है, बाहर से आउटसोर्सिंग कुछ नहीं है, रेलवे डिपार्टमेंट ने ही बनाया, मैंने आसनसोल रेल डिवीजन इसको आसनसोल रेल डिवीज़न ने ही इसको बनाया। तो ये का एक एक जो बनाए हैं आसनसोल रेल अस्पताल लिए। अगर इस तरह करके अगर कोई दूसरा अस्पताल आप लोगों को जो रेल का है वो, अगर ऐसा डिमांड होता है, ये सक्सेसफुल रहता है, तो हम और प्रोड्यूस कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। আমরা একটা ট্রলি ইউজ করছি, এই ট্রলিটা রিমোট কন্ট্রোলে চলে, এটাতে কোনো অ্যাটেন্ডেন্টকে ঠেলে এটাকে নিয়ে যেতে হবে না। রিমোট কন্ট্রোল বাটন পুশ করলে এটা নিজে থেকে এগিয়ে যাবে বা যেদিকে যেতে বলবে সেদিকে যেতে পারবে, বেঁকে যেতে পারবে। এই ট্রলিতে আমরা খাবার, রুগীর জল বা অন্যান্য জিনিসপত্র যেমন ওষুধ, এগুলো আমরা কিন্তু এই ট্রলিতে দিয়ে দেবো। এবং এই এর সামনে একটা অডিও সিস্টেম থাকবে, সেই অডিও সিস্টেম দিয়ে আমরা বলে দেবো, যেমন পেশেন্ট 5 নম্বর বেডে ভর্তি আছে, আমরা বলে দেবো 5 নম্বর পেশেন্টকে যে আপনার ওষুধ এসে গেছে, ট্রলি থেকে উঠিয়ে নিন। এইভাবে আমরা উইদাউট টাচিং দ্য পেশেন্ট, পেশেন্টকে টাচ না করে এবং কোনো অ্যাটেন্ডেন্ট ডাইরেক্ট এক্সপোজারে গেল না, দূর থেকে আমরা পেশেন্টকে খাবার বা ওষুধ সাপ্লাই করতে পারবো এই কোভিড রিলিফ এক্সপ্রেসের মাধ্যমে। এটা আসানসোল ডিভিশনেই তৈরি হয়েছে এবং রেলওয়েতে এটা প্রথম ইউজ হচ্ছে।